फेस पैक यूज़ किया है ये आपको वीडियो के चलते चलते पता चलेगा। तो फ्रेंड ये था वो हिमालय का केसर फेस पैक, आप देख सकते हैं इस पे लिखा है नेचुरल ग्रो केसर फेस पैक। और इसकी MRP की बात करूँ तो ये 75 रुपीज़ की ट्यूब है और वेट है इसका 50 ग्राम। आप जब भी कोई फेस पैक या स्क्रब लें, अगर आपने पहले से यूज़ उसको नहीं किया, कभी ट्राई नहीं किया, तो आप उसकी छोटी क्वांटिटी लें। अगर आपके फेस पे सूट नहीं आती है तो आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। आपको थोड़ा तो दुख होगा कि इतनी बड़ी ट्यूब बेकार ही वेस्ट चली। वैसे इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट सड़गम भरे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इन्होंने दे रखा है कि इसके अंदर केवल केसर और टर्मरिक ही है। और वैसे तो आयुर्वेदिक बोलते हैं हिमालय को, लेकिन मुझे वैसे भी पर्सनली हिमालय के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। मुझे अधिकतर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस पर लिखा है जिंग और ग्लोइंग स्किन, तो भाई पहले इसको ट्राई करेंगे क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने फेस पैक ये वाला नहीं ट्राई किया है, तो जो भी इसको सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये ऑल स्किन टाइप है या नहीं। और अगर मुझे सूट आया, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है और मुझे सूट आया, तो ये फिर आप लोगों को भी सूट आ जाएगा। मुझे सूट नहीं आया तो आपको नहीं सूट आएगा ये। और आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप कोई भी फेस पैक यूज़ करते हैं तो उससे पहले आप कोई भी स्क्रब अपने फेस पर यूज़ कर लें, क्योंकि आपकी डेड स्किन फेस से निकलेगी तभी तो फेस पैक काम करेगा ना। पहले यहाँ पर हिमालय का स्क्रब यूज़ कर लिया है और फिर 5 मिनट का रेस्ट आप अपनी स्किन को दीजिएगा ताकि स्किन सांस ले सके, रिलैक्स फील कर सके। तो सबसे पहले अपने बालों को आप बांध दीजिए अच्छी तरीके से, ताकि जब आप फेस पैक यूज़ करें और वो बाल आपके इधर उधर ना उड़े। अभी मैंने इसको लगाया, लगभग मुझे 2 सेकंड हुए हैं। अभी तो हल्की हल्की सी मुझे जलन महसूस हो रही है इसको लगाने से। अभी देखते हैं 15 मिनट्स इसको, 15 मिनट में ये अपना क्या वर्क करेगा। और फ्रेंड इस फेस पैक को आप किसी भी लोकल मार्केट से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं किसी भी। तो फ्रेंड फेस मैंने नॉर्मल वाटर से अपना साफ़ कर लिया है और आप स्किन देख सकते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और आप ऐसे टैप टैप करके पानी को साफ कर लीजिए। तो आपको कोई फ़र्क नज़र आया? मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट लगा इसका। आप देख सकते हैं मेरी स्किन, कोई इचिंग भी नहीं है किसी टाइप की और कोई अब जलन भी नहीं है, जब से मैंने इसको कुछ नहीं हुआ है। तो ये बढ़िया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्किन वाला इसको यूज़ कर सकता है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसका जो मैंने आज रिव्यू दिया है वो अच्छा लगा हो, आपको कुछ आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो में, तब तक।